तो इसे हम धीरे धीरे चलेंगे, जैसे धीरे धीरे अभ्यास करके किसी हम सब्जेक्ट को सीखते हैं, या जैसे धीरे धीरे व्यायाम करके हम अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं, इसी तरह धीरे धीरे हमें अभ्यास करके, साधना करके अपनी मानसिक आध्यात्मिक विकास पर को आगे बढ़ाना है। ठीक है, मेरी हिंदी आप जैसे देख रहे होंगे, मतलब बहुत शुद्ध हिंदी नहीं बोलता हूँ मैं, सरल हिंदी का प्रयोग करूंगा, समझने में भी आसानी हो, मुझे भी आपसे बताने में आसानी हो। बीच बीच में डॉक्टर साहब का मैं मदद लूंगा अगर हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन की जरूरत हो, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि इस सत्र के द्वारा जो हिंदी भाषी लोग हैं इनको एक तो एक समूह बन सके, एक संघ बन सके, जो एक दूसरे को सहारा दे सके, एक दूसरे की साधना में मदद कर सके, और सवाल पूछकर न केवल अपने संशय दूर कर पाए, अपने डाउट दूर कर पाए, लेकिन वो सवाल पूछकर आप बाकी लोगों को भी उनके संशय हटाने में, मिटाने में मदद कर सकते हैं। तो संघ का यही काम होता है कि एक दूसरे के को सहारा दें, एक दूसरे को आध्यात्मिक विकास करने में मदद करें। तो सबसे पहले ये ध्यान कैसे करना है, ये साधना कैसे करनी है, इस पर आते हैं। तो सबसे पहले जो हम अपने आसन पे ध्यान देंगे, आप अगर जमीन पर या गद्दे पर बैठने के आदि हैं, आप सुखासन में या जिसे सरल हिंदी में आलती पालती भी कहते हैं, अगर ऐसे आप बैठ सकते हैं आधे घंटे बिना अपने शरीर को कोई तकलीफ दिए, तो वैसे बैठ सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुखासन या पद्मासन में ही साधना करी जाए। जिसे कमर की तकलीफ हो या जिसे आदत ना हो जमीन पर बैठने के लिए, वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे। आपको एक आरामदायक आसन में बैठना जरूरी है ताकि आपके शारीरिक कोई तकलीफ हो, इस वजह से आपकी साधना में और अड़चन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आप आरामदायक एक आसन में बैठिएगा। अगर आप कुर्सी पे बैठते हैं या आपको कमर की तकलीफ है, तो आप अपने कमर के निचले हिस्से के पीछे एक तकिया या एक तौलिया रख सकते हैं रोल करके, जिससे थोड़ा आपको सहारा मिले। पीठ हमने रखनी है सीधी, बहुत ज़्यादा अकड़ के नहीं, थोड़े एक आराम से हमने सीधा रखना है अपने पीठ को, और ना ज़्यादा हम आगे की तरफ ऐसे झुक जाएं अगर, तो खुद ही नींद आने लगेगी या हमारे ध्यान में वो एक हमारे साधना में वो दिलचस्पी कम हो जाएगी, या फिर हम बहुत ज़्यादा अकड़ के रहेंगे तो थोड़ी देर में हमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, मतलब शरीर हमारा साथ नहीं देगा। तो इसलिए थोड़े आरामदायक लेकिन सीधे आसन में बैठें, कुर्सी पे हो या गद्दे पे हो या जमीन पे हो, जैसे आपको आरामदायक लगे। ये सबसे पहला आसन को लेकर पहली सूचना है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि साधना के दौरान हमें बिल्कुल हिलना नहीं है। जैसे हम हिलते हैं तो हमारी जो साधना, जैसे हम गहराई में जाना शुरू करते हैं, वो डगमगा जाती है, तो हमने बिल्कुल हिलना नहीं है। अब मैं इससे शुरुआत करता हूँ, ये साधना के आसन से शुरुआत करिए। अब आपने साधना कैसे करनी है इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ऐसा एक पल याद करेंगे, एक सुखद पल आपकी जीवन का, जब आपको मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो। कई लोगों के लिए आसान ऐसा एक पल होता है जब वो अपने बच्चों के साथ खेलने वाले पल याद करते हैं, अपने मित्रों के साथ पल याद करते हैं, या अपने जैसे किसी के पेट्स हो, पालतू जानवर हो जिसके, तो उनके साथ जो पल हैं वो याद करते हैं, जिसमें आपको मतलब बहुत खुशी का एहसास हो। ऐसा एक पल याद करेंगे, उस खुशी के एहसास को हम याद करेंगे, जो खुशी का एहसास हुआ था हमें, उस एहसास को हम अपने हृदय में रखेंगे और अपने लिए उस एहसास की कामना करेंगे। जैसे मैं उस पल में सुखद था, खुश था, शांतिपूर्वक था, मेरी जीवन में कोई चीज मुझे चुभ नहीं रही, उसी तरह मैं शांतिपूर्वक, सुखद, आरामदायक स्थिति में रहूं। ठीक है, ये आपने कामना करनी है। इसे मंत्र की तरह नहीं बोलना है एक साथ कि बार बार आप ये, मैं खुश रहूं, मैं उसी तरह खुश रहूं,
मैं शांति से रहूं, मेरे मन में शांति हो, ऐसे लगातार हमने नहीं बोलना है, इतनी बार बोलना है ताकि आपको यकीन हो कि आप सचमुच अपने लिए ये एहसास अपने लिए मांग रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा मैं एक बार बताता हूँ, आपके अतीत से कोई ऐसे पल चुनिए जिसमें आपको बहुत खुशी का एहसास हुआ हो और बहुत प्रेम का एक मतलब एक प्रेम पूर्वक पल हो, खुशी पूर्वक पल हो, शांति पूर्वक पल हो। ये याद करेंगे, वो एहसास याद करेंगे, वो एहसास अपने आप हृदय में रखेंगे और अपने लिए कामना करेंगे कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूं। ये करते समय, ये इस पूरी साधना में और इस पूरी साधना के साथ हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है कि हम सारे टाइम मुस्कुराते रहें। ये एक मुस्कुराने वाली साधना है और मुस्कुराने से न केवल हमारे दैनिक जीवन में बहुत अंतर पड़ेगा, लेकिन हमारी साधना, हमारे अभ्यास, हमारे आध्यात्मिक विकास में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये शुरुआत से एक शर्त है हमारी इस साधना में, इस अभ्यास में, कि आपको सारे टाइम मुस्कुराते रहना है। ठीक है, तो आप बैठेंगे मुस्कुराते हुए, याद करेंगे जो अच्छा एहसास है उसकी कामना करेंगे आप अपने लिए। ऐसे हम 10 मिनट बैठेंगे। इसके बाद जो बचे हुए 20 मिनट होंगे हमारे पास अभ्यास के, उसमें हम एक आध्यात्मिक साथी या आध्यात्मिक मित्र को चुनेंगे। ये मित्र ऐसा होना चाहिए जो जीवित हो, जो आपके रिश्तेदारी में ना हो, मतलब आपके परिवार में ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके लिए आदर प्रेम देना आपके लिए बहुत सरल, बहुत आराम से। आपको पता है कि ये व्यक्ति भी आपके लिए अच्छा समझते हैं, आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं और आपके मन में भी उनके लिए कोई घृणा, कोई किसी तरीके की झिझक नहीं होनी चाहिए कि उनके लिए आप अच्छे सोच, उनके लाभ के लिए आप सोच पाए। ये आपके आध्यात्मिक मित्र हुए। और एक और चीज जरूरी है, क्योंकि हम आध्यात्मिक मित्र के साथ काफी समय बिताएंगे, तो ऐसा कोई मित्र होना चाहिए जिसके तरफ हमें कोई शारीरिक आकर्षण ना हो, क्योंकि इससे हमारे जो हम ध्यान कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, उसमें उल्लंघन आ सकता है कि हम कुछ और ही सोचने लग जाए। तो ऐसा कोई मित्र चुनिए, दोबारा मैं बताता हूँ, जो जीवित हो, जो आपके रिश्ते में ना हो, जिसके लिए भला सोचना, जिसके लाभ के लिए प्रार्थना करना, मतलब जिसको अच्छी सोच भेजना, जो आप अपने लिए जैसे भेज रहे हैं अच्छी कामना, ये कामना भेजने में आपको कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा मित्र होना चाहिए जिसके लिए आपको कोई शारीरिक आकर्षण पैदा होने का सवाल ही ना। तो ऐसा एक मित्र को आप चुनेंगे। तो हमारा अभ्यास फिर मैं दोहराता हूँ, शुरुआत में 10 मिनट एक अच्छी याद लेंगे, वो एहसास याद रखेंगे, वो एहसास अपने दिल में रखेंगे और वो एहसास हम अपने लिए कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मैं ऐसे खुश रहूं जिस जैसे मैं उस मौके पर था, उस वक्त पर था, मैं उस तरह खुश रहूं, शांतिपूर्वक रहूं, आराम में रहूं। ये आप अपने आप के लिए पहले ये कामना भेजेंगे, फिर यही कामना आप अपने मित्र के लिए भेजेंगे, आध्यात्मिक मित्र। लेकिन ये तो मैंने कह दिया कि आप ये कामना भेजेंगे, जैसे ही आप शुरू करेंगे थोड़ी ही देर में आपको आपके मन में कुछ ना कुछ और विचार आएंगे, कहीं वातावरण में कुछ शोर होगा, कुछ होगा, उस पे आपका ध्यान भटकेगा, कहीं आपके खुजली होगी, थोड़ी खराश होगी, थोड़ी कहीं दर्द का एहसास होगा, वहां पे आपका ध्यान भटकेगा, कोई आपके निजी जीवन में से कोई चीज उभर के आएगी उस पे आपका ध्यान भटकेगा, या कोई काम से आपके रिलेटेड कोई चीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कोई काम करना हो, कल सोमवार है, कल से सबको भागना होगा नौकरी पर, तो उससे जुड़ी हुई कोई चीज आ सकती है। तो जैसे ही आप बैठेंगे, आप शुरू करेंगे, थोड़ी ही देर में बहुत प्राकृतिक है कि ऐसे कोई विचार आएंगे आपके ध्यान को भटका देंगे। इस अभ्यास का एक बहुत ही जरूरी लक्ष्य है कि हम अपनी सती या स्मृति, या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं माइंडफुलनेस, इसको हम विकसित करें।
इसका मतलब है कि हमारा ध्यान कहाँ भटक रहा है और कैसे भटक रहा है, इस प्रक्रिया को समझें और इससे हम परिचित हों, ये बहुत एक जरूरी हिस्सा है इस अभ्यास का। तो जैसे ही हमारा ध्यान भटकेगा, किसी विचार में खो जाएगा और हमें याद आता है कि अरे ये तो मैं कुछ और ही सोचने लग गया, तो उस समय हमने सबसे पहले पहचानना है कि हाँ मेरा ध्यान भटक गया है, एक विचार में, एक अड़चन में फंस गया है। इसके बाद हमने सबसे पहले निर्णय करना है कि इसमें मैं और ध्यान नहीं बिताऊंगा, मैंने ये समय निकाला है अपने साधना को बढ़ाने के लिए, अभ्यास करने के लिए, ये समय नहीं है इस विचार में अपना समय बिताने। तो आप निर्णय करेंगे कि नहीं, मुझे इसके साथ और अभी अपना ध्यान इसमें नहीं लगाना है, आप उसको छोड़ दें, जो भी आया है, जो विचार आया है उसे रहने देंगे, उसके साथ और हम एंगेज नहीं करेंगे, उसमें और हम ध्यान नहीं डालेंगे। ये करने के बाद अगला हमने हमारे जब भी हमारा ध्यान भटकता है तो हमारे मन में और हमारे शरीर में थोड़ा तनाव पैदा होता है। ये तनाव आप इस तनाव से आप धीरे धीरे ज़्यादा परिचित होंगे और ये तनाव परिचित इससे परिचित होना बहुत ही आपके लाभदायक होगा आपके साधना में। तो हमारे मन में बदन में कहीं तनाव जैसे हमें महसूस हुआ, उसे हम ढीला कर देंगे, उसको थोड़ा रिलैक्स स्टेप इसे कहते हैं इंग्लिश में जब प्रैक्टिस करते हैं, तो इसे रिलैक्स करेंगे। तो सबसे पहले दोबारा पहले तीन जो स्टेप्स थे वो मैं दोहराता हूँ। पहले हमने पहचाना, फिर हमने उसे उसकी हमारा मन भटक गया, फिर उस विचार को हमने रहने दिया कि हम इस पर और ध्यान नहीं लगाएंगे। तीसरा, हमने अपने मन में पैदा हुए मन में हमारे बदन में पैदा हुए तनाव को रिलैक्स किया। चौथा, हम फिर मुस्कुराएंगे, ये मुस्कुराने से भी हमारा तनाव और कम होता है और वापस हम अपने लिए या अपने मित्र के लिए अच्छी भावना भेजने के पहले, जो इस भावना को हम हिंदी में मंगल मैत्री कहते हैं, पाली में मित्ता कहते हैं, ये मित्ता की भावना भेजने के पहले मुस्कुराना हमें एक अच्छे मानसिक स्थिति में लेके आता। तो चौथा स्टेप हुआ हमारा मुस्कुराना। पांचवा है कि हम वापस, अगर हम अपने आप के लिए वो अच्छे खुश रहने की कामना कर रहे थे तो वापस उस पर आएंगे, या अगर हम अपने मित्र के खुशहाली के लिए कामना कर रहे थे तो उस पर वापस आएंगे। ये हमारा पांचवा स्टेप हुआ। और छठा स्टेप है कि बस हर बार जैसे हम वापस अपनी साधना पे आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब दोबारा कभी हमारा ध्यान डगमगाएगा। ये जैसे मैंने कहा, ये बहुत प्राकृतिक है, ये हमारी एक प्रकृति है कि हमारे मन में अलग अलग विचार उठते हैं और हमारा ध्यान उन पे भटकता है। जैसे मैंने कहा, इससे परिचय करना, इसी से हमारी सति, हमारी स्मृति, हमारी माइंडफुलनेस का विकास होता है और उसी से हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी विकास होता है। तो आखिरी स्टेप यही है, एक ये चीज़ याद दिलाती है, रिपीट स्टेप कहते हैं इसे, ये याद दिलाती है कि ये दोबारा होगा, दोबारा आपका मन भटकेगा और दोबारा हमने यही जो स्टेप है ये करके हमने वापस अपनी जो हमारे साधना का माध्यम है कि हम अपने आप को खुशहाली की कामना भेज रहे हैं, खुशहाली का फीलिंग भेज रहे हैं या अपने मित्र को भेज रहे हैं, इस पर वापस आना है। तो एक बार फिर मैं दोहराता हूँ क्योंकि आज पहला सत्र है, जैसे ही हमारा मन ध्यान भटके किसी चीज़ में, हम पहले उसको पहचानेंगे कि हमारा ध्यान भटक गया, इसके बाद हम उसे रहने देंगे, हम ये निर्णय करेंगे मन में कि इस विचार में मुझे और ध्यान नहीं लगाना है। तीसरा, ये जो ध्यान भटकने की प्रक्रिया है, इसमें हमारे मन में, हमारे बदन में तनाव पैदा होता है, तो इस तनाव को हम ढीला करेंगे, हम रिलैक्स करेंगे। चौथा, फिर मुस्कुराएंगे, क्योंकि मुस्कुराना इस साधना का बहुत अहम हिस्सा है, ये हमारे अच्छे खुशहाली के
कामना जो करते हैं हम, इसमें बहुत मदद करता है। दोबारा हम मुस्कुराएंगे, फिर हम अपने अपने आप को, अगर आप पहले 10 मिनट में कर रहे हैं, अपने आप को भेज रहे हैं कामना, तो उस पर लौटेंगे, या अपने मित्र को अगर भेज रहे हैं तो उस पर लौटेंगे। ये करने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि ये दोबारा हो सकता है, अगर होगा तो हमारा काम केवल, हमारा कोई विचार हो आता है, ध्यान भटकता है, उससे लड़ने का मकसद नहीं है, ना हमने दुखी होना है कि ऐसा क्यों हो गया, मेरा मन क्यों भटक गया, ध्यान क्यों भटक गया। ये प्राकृतिक है, इस चीज़ को, ये हमारा दुश्मन नहीं है। ये जो विचार आते हैं, ये हमें सिखा रहे हैं कि हमारा ध्यान एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर कैसे जा रहा है, और इस सीख से हमारी सति, हमारी स्मृति का विकास होता है। तो ये इस चीज़ पर हमने कभी लड़ना नहीं है कि कोई मेरे मन में कोई विचार आ गया है, बस हर बार हमें याद रखना है कि मैंने पहचाना कि मन भटक गया है, मैंने उस विचार पर और ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने मन से तनाव हटाया, मुस्कुराया और वापस मैंने वो भावना भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इस साधना का अभ्यास करेंगे हम आधे घंटे के लिए। आरंभ करने के पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या किसी के कोई सवाल है, कोई चीज नहीं समझ में आई अभी तक, तो एक बार पूछ लीजिए, आपका ही नहीं, हो सकता किसी और का भी इससे भला हो जाए। 2 मिनट का मैं वेट करूंगा, अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप टाइप करके या अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं कि किसने पहले ये साधना, इस साधना का अभ्यास करा है, तो मैं जानने में दिलचस्प रहूंगा। किसी ने नहीं करा है ये अभ्यास पहले? मुझे लगता है सभी ने ध्यान शुरू कर दिया। हो सकता है, ये अच्छी बात है, मेरे बताए बिना ध्यान करने की जिसको प्रैक्टिस हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कर सकते हैं। मिलिंद जी ने हाथ उठाया है कि मैंने करा है पहले, धन्यवाद मिलिंद जी। तो ऐसा करते हैं, तो अब ये अभ्यास करेंगे हम अगले आधे घंटे के लिए। तो मेरे पास एक चाइम है, ये मैं बजाऊंगा शुरुआत करने के लिए। सब आप एक आरामदायक आसन में हैं, मेरी उम्मीद है। पानी वानी आपको पीना है, एक बार पी लीजिए। जब हम शुरू करेंगे अभ्यास, हमने बिल्कुल हिलना नहीं है, कोई भी हमारे आवाज आए, हमारे शरीर में कुछ एहसास हो, कोई विचार हो, हर चीज के साथ हमने वही करना है, हमने उसको पहचानना है, उसके साथ और ध्यान नहीं बिताना है, तनाव हटाना है अपने मन से, मुस्कुराना है और वापस आना है। बस यही करेंगे अगले आधे घंटे के लिए, और उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। दोबारा आधा घंटा समाप्त होने पर मैं दोबारा ये घंटी बजाऊंगा, उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव के बारे में बताएं, या कुछ सवाल हो तो पूछें। धन्यवाद।
मैं अब सभी से निवेदन करूंगा कि अपना कैमरा ऑन करें, मुझे पता लग जाएगा किसने मुस्कुराया है अभी। ऐसा लग रहा है सबको? अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा किसको तकलीफ हुई या दिक्कत हुई आधा घंटा बैठने में? बिना झिझके बताइए, मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हमारा उद्देश्य है कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने। तो जिसे दिक्कत हुई एक बार बताइए मुझे बैठने में, और क्या दिक्कत हुई ये बताइए। आंखों में थोड़ी स्ट्रेस सी लगती है। आंखों में? हाँ, आंखों में। जब भी मैं कोशिश करता हूँ ध्यान करने, आंखों में थोड़ा तनाव सा, कोशिश करता हूँ मैं उसे रिलीज करने की। वो नहीं करता, कई बार ठीक रहता है, पर अधिकांशतर मतलब पेन या जो खिंचाव कहना चाहिए, खिंचाव होता है। इसका दो तीन वजह हो सकती हैं दर्द होने का। एक तो बहुत मतलब मामूली सी बात है कि अगर आपको नींद नहीं आपकी पूरी हो रही है, आपके शरीर को आराम नहीं मिल रहा पूरा, तो ये सब चीजें कई बार उभर के आती हैं। दूसरी एक चीज हो सकती है कि अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा श्रम कर रहे हैं, ये मतलब जो हम अच्छी भावना भेजते हैं किसी को, आप ये सोचिए जैसे कोई आपके मित्र आपके जीवन में, जैसे आपके किसी मित्र से भेंट होती है, तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली एक शुभेच्छा आपकी तरफ से उनकी तरफ जाती है, उनकी तरफ से आपकी तरफ आती है। वो बहुत आराम से बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एक्सर्शन के, बिना बहुत जोर या श्रम करे आती है। इसी तरीके से आपने भेजना है, यानी ये मतलब ये एक बहुत एक जो प्राकृतिक शुभेच्छा होती है किसी के लिए, उस तरीके से भेजना। तो आपने इस पे अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे, अगर आप चाहेंगे कि मैं मतलब कुछ काम कर रहा हूँ जो ये मैं भेज रहा हूँ, अपने आप को अच्छी कामना या अपने मित्र को अच्छी कामना भेज रहा हूँ, इसे काम की तरह, एक टास्क की तरह देंगे अगर, तो उससे तनाव पैदा होगा। बस यही आपने करना है, इस पे आपने ध्यान देना है। और इसके लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि पूरे दिन आप जब जब याद आए आप मुस्कुराएं। जैसे आप मुस्कुराते हैं आपका मन हल्का होता है, कोई चीज आप करते हैं तो बड़े आराम से कर जाते हैं, मतलब उसके लिए आप अपने मन में दबाव नहीं बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है। कोई है काम सामने करना है, जैसे आप पानी पीते हैं बिल्कुल सरल तरीके से ना, एक ग्लास में पानी लेते हैं और पी जाते हैं, इसके बारे में सोचते नहीं कि ये मुझे काम करना है, इस पे मुझे मतलब कुछ करके दिखाना है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि इसके बारे में हमारी बहुत एक अटैचमेंट नहीं है इस चीज को, तो इसलिए ये हम सरल तरीके से करते हैं। जिस चीज में हमारी अटैचमेंट होती है वो सरल तरीके से करना मुश्किल हो जाता है, और ये इसलिए है, मुस्कुराना बहुत ही जरूरी हिस्सा है इस अभ्यास का। तो मैं आपको बस यही मेरी विनती रहेगी कि आप जितना मुस्कुरा सकें उतना मुस्कुराएं, और आपके डेली प्रैक्टिस में जब भी याद आए आप ये मंगल मैत्री की भावना अपने आप को भेजें, अपने मित्र को भेजें, अपने आसपास के लोगों को भेजें सारे टाइम। ये हमारी एक आदत सी बन जाती है तनाव लेके रहने की, और इस आदत को हम बदलना चाहते हैं। हम ये आदत बनाना चाहते हैं कि एक मुस्कुराता, एक सहज मन हो हमारा, एक विदाउट कॉम्प्लिकेशन एक अपलिफ्टेड मिलन। आपके लिए यही सजेशन है। मैं आशा करता हूँ जैसे मैंने पहले बात कही थी कि आप जो आसन बैठे हैं वो आरामदायक आसन है। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि
जैसे बैठते हैं तो उनके गर्दन में तनाव आ जाता है, तो इसके लिए कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने गोद में कोई तकिया या कुछ एक किताब रख लेते हैं, जिससे थोड़ा हाथ आपका गर्दन को खींचे ना, मतलब हाथ के वजन से आपका गर्दन खींचे ना। ये सब चीजें भी हैं जो आसन से रिलेटेड हैं, जो आपके शरीर में आपके मन में तनाव पैदा कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा सबसे बड़ी जरूरत जो होगी आपको कि आप मुस्कुराते, और किसी को कोई किसी तरीके की दिक्कत हुई, परेशानी हुई या कुछ पूछना चाहे। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, मैं गणेश थोड़े बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सुनाई दे रहा। हाँ सर, आपने जो आज आनापान वो सिखाया है ना, वो उसका टाइमिंग दिन में कितनी बार कर सकते हैं सर आप? हम ये, हाँ तो ये मंगल मैत्री वाली साधना है, आनापान आपके सांस से जुड़ा होता है। ये मतलब आप जितने टाइम कर सकें, ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बैठ के कमरे में बंद करके हमने ये साधना करनी है। जैसे आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ये आपको पता चलेगा कि ये हमारे हमारा जीवन ही है पूरा, जो हम साधना कर रहे हैं, ये जो हमारे एक मानव अनुभव से परिचित हो रहे हैं। तो मतलब ये साधना जो है ये हम 24 घंटे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब भी हमारे मन में तनाव हो, जब भी हमारे मन में एक इमोशनल प्रॉब्लम्स आए, इमोशनल टर्बुलेंस, भावनात्मक दबाव आए, उलझन आए, तो ये सारी आपके एक लक्षण है कि आपका ध्यान किसी विचार में बिल्कुल फंस चुका है, उससे उसमें उस विचार में और आप में कोई दूरी रहने की, मतलब आप वो विचार बन चुके हो, आपको किसी से आपको गुस्सा आता है या किसी चीज बहुत ज्यादा आपका मन करता है कि ये चीज मुझे मिल जाए, तो मतलब आप वो एक विचार से शुरू होता है, उस विचार को हम पहचान के हम अपने मन को एक मुस्कुराते हुए अच्छे स्टेट में ला सकते हैं इस प्रैक्टिस से। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम ध्यान उस विचार में रखते हैं पहचान के हम उस विचार को अकेला नहीं छोड़ते, तो हम वो विचार बन जाते हैं, हमारे और उस विचार में अंतर नहीं रहता, हम खुद वो गुस्सा बन जाते हैं, हम खुद वो लोभ बन जाते हैं, हम खुद वो बेचैनी बन जाते हैं। तो इसलिए ये जो साधना है सारे टाइम कर सकते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिकल जो एडवाइस मैं बताऊंगा आपको कि सुबह सुबह उठते ही आप कर लेंगे तो मतलब आपके जैसे ऐसा है कि आप महीने में तनख्वाह आती है तो सबसे पहले आप सेविंग में अगर डाल लोगे तो वो बेहतर है कि महीने में खर्चा करके उसके बाद बचा हुआ सेविंग में डालेंगे तो कम बचत होती है। तो सुबह सुबह आप पहले अपने बैंक अकाउंट में डाल लेंगे आप साधना करके, तो आपके पूरे दिन के लिए एक अच्छा परफॉर्म मिलता है इससे। और मैं ये कहूंगा कि देर आप बैठ सकें, आधा घंटे का कोई ऐसा नहीं, इतना टाइम लग जाता है उनको में, कम से कम आधे घंटे बिना हिले आपने बैठा है। कितनी बार, जितनी भी बार आपका मन भटकता है उतनी बार आपने वापस लाना, बस यही आपका काम है। ये बुरा नहीं मानना है कि मेरा मन भटक गया, ये जैसे मैंने पहले कहा था, ये विचार हमारे एक शिक्षक की तरह है, वो हमें बता रहे हैं कि हमारा मन कहाँ कहाँ भटक जाता है, किस चीज को अपना मानने लगता है। तो जितनी बार आप मन को आप वापस मुस्कुराते हुए, तनाव को ढीला करते हुए लेके आएंगे वापस, उतनी बार उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको 50 बार करना पड़े आधे घंटे में, लेकिन कम से कम आधे घंटे बैठना है और एक पूरे घंटे बैठ सके तो और भी बेहतर है। जितनी देर बैठ सके, मतलब आप खुद से मत, सुबह सुबह उठ के करेंगे तो आप खुद से मत उठिए, जब खुद आपको थोड़े टाइम बाद लगता है कि मतलब हाँ आप उठ जाना चाहिए तब उठ जाइएगा, पर अपने आप को रोकिए मत कि आधा घंटा हो गया मैंने अलार्म लगा दिया, ये काम मत करिए, यही है। और अगली बार हम थोड़ा इस पर भी, अभी हमारा समय समाप्त हो गया, अगर सबकी दिलचस्पी है तो थोड़ी देर और हम टाइम निकाल सकते हैं आज के सत्र में, 10-15 मिनट और हम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगली बार हम थोड़ा जो डेली रूटीन, हम जो वॉकिंग मेडिटेशन होता है चलते समय जो साधना होती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे
ये एक बहुत अच्छी साधना है जिससे आप अपने दैनिक जीवन के हर पल में ये स्मृति का विकास करना शुरू कर सकते हैं कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप एक विचार से बिल्कुल ही परिचय, वो अपने आप को उससे अपना परिचय आप उस विचार के साथ ही जोड़ रहे हैं, तो उस चीज को कैसे हम नोटिस कर पाए, कैसे हम पहचान पाए कि हमारा मन बार बार इस आदत में, आदत के वजह से बार बार इस तरीके से जा रहा है, ये पहचान पाना और वापस ला पाना। तो ये जो वॉकिंग मेडिटेशन होता है, इससे हम एक दैनिक जीवन में ये साधना ला सकते हैं। और कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? कुणाल जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कुणाल बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी पूछ। अच्छा शुरू करते हैं। मेरे जीवन का कुछ अच्छा प्रसंग, तो वो चूज नहीं कर पाते, ये करो ये करो, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था। हाँ तो ये बस आपका एक, हाँ प्लीज पूरा पूरा सवाल पूछिए, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। और कोई चुनते है जो उसमें थोड़ी देर तैरते हैं और तैरते तैरते फिर क्या ये करना है कि मैं सुखी हूँ, मुझे शांति मिले, यही बात करते बैठना है? हाँ जी, तो हमारा काम जो है, जो हम यतीत में बीता हुआ एक पल, एक प्रसंग जो हम याद करते हैं, तो इसका ये एक जरिया है जिससे हम उस एहसास से जुड़ सकें। वो एक ऐसा एहसास है जहाँ हमारे मन में ना कोई लोभ होता है, ना कोई घृणा होती है, ना कोई बेचैनी होती है, ना कोई आलस होता है, ना कोई संशय होता है। मतलब वो ऐसा एक पल है जो, वो एक भावना होती है ना, वो जो एहसास है, जो ऐसे पल में, जैसे मैंने कहा कि बच्चे के साथ, बच्चे को गोद में ले रखा है, या अपने मित्रों के साथ है, तो कोई भी प्रसंग हो, प्रसंग उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो वो एहसास था उस प्रसंग से जुड़ा हुआ, वो एहसास वो आप अपने आप को भेज रहे हैं। तो सिर्फ ये कहना, सिर्फ ये शब्द कहना कि मैं सुखी रहूं, इसका कोई हमारे साधना में फायदा नहीं। वो एहसास लेके वो एहसास भेजना है, मतलब सचमुच वो एहसास हमें महसूस करना है कि ये ऐसा मैं हमेशा जैसे उस पल में खुश था वैसे ही मैं रहूं, तो उस एहसास को हमने बढ़ाना है। क्या आपके सवाल का जवाब मिला आपको कुणाल जी? थोड़ा बहुत मिला। तो वो प्रसंग उतना जरूरी नहीं है, उस प्रसंग से जुड़ा हुआ जो एहसास है वो जरूरी है। कहने का जरूरी नहीं है, जो मन की जो अवस्था थी उस वक्त, ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र नहीं है, सही बात। लेकिन मैं जिस अवस्था पहले उस दिन था, जो मैं बहुत खुशी में था, बहुत आनंद में था, बहुत संतुष्ट था, वो मन की मेरी अवस्था का फिर से मुझे अनुभूति करना है। बिल्कुल, और वही अनुभूति मुझे मेरे कल्याण मित्र को भी देना है। बिल्कुल सही कहा जी, समझ रहा है। बात ऐसी होती है कि कल्याण मित्र भी चुनना थोड़ा इसको चुनो उसको चुनो, मैं तो अपने भंते को चुना है, भंते बोधि मित्र जो है, हाँ उन्होंने किया यह साधना, हमारे क्लास में थे, पाली डिपार्टमेंट मुंबई के। लेकिन वो 15-20 मिनट के बाद बहुत कठिन होता है अपने ही कल्याण मित्र को मित्र देना, बहुत बार मन भटकता है, बहुत भटकता है। कोई दिक्कत नहीं है। आने के बाद जो आप कहते हैं कि हाँ एक सवाल रह गया था, शांत हो जाओ, ये करो, पहले ढूंढो कि हाँ मेरा मन भटक गया, ठीक है, भटकने के बाद उसको शांत करो। कैसे शांत करें? तो ऐसा आप समझिए कि ठीक है, मैं आपको एक छोटे एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप ऐसा समझिए कि आपके घर कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया, ठीक है,
लेकिन हमने इस साधना के हिसाब से ना उससे लड़ना है ना परेशान होना है कि आ गया, हमने बस पहचानना है कि आ गया, ठीक है। हमने कहना है कि आप पीजिए चाहे, लेकिन मैं अपने ध्यान में वापस जा रहा हूँ, मैं अपनी साधना में वापस जा रहा हूँ। इसी तरीके से आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं, कोई बिन बुलाए मेहमान आ गया, आप उसको भगा नहीं रहे हैं, ना लड़ रहे हैं ना परेशान हो रहे हैं, आप कह रहे हैं आप पीजिए चाहे, मैं अपने जरूरी काम पर लौट रहा हूँ, बस इस तरीके से करना है। और दूसरा जो काम आपने करना है, ये आपको तनाव से परिचित होना है, उस तनाव को ठीक है, उस तनाव को ढीला करेंगे और जब मुस्कुराएंगे तो ये हमारे मन में जो तृष्णा होती है कि ये क्यों आया, तो मतलब सबसे पहले हमारे मन में एक वो तृष्णा आती है कि मतलब ये मेरा मन भटक गया है, मुझे पसंद नहीं, सबसे पहले यही चीज आती है। लेकिन उस नापसंदी से दूर होना है, हमने कहना है कि आप आइए, आप चाय पीजिए और आप जाइए, मुझे अपने जरूरी काम में वापस जाना है, बस हाँ। इस तरीके से आप ऐसे ही सोचिए कि कोई बिन बुलाया मेहमान है, लेकिन उससे हमने कोई नहीं। हाँ सर जी, वो करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो है अपने आप को शांत करो। नहीं, शांत करो ऐसा कोई स्टेप है नहीं, अपने तनाव को रिलैक्स करो। सिक्स आर जो है, हाँ जी, रियलाइज, हाँ, रिलीज स्टेप है, और तीसरा स्टेप है रिलैक्स। राजीव, ढीला करने को ही शांत करो बोलते हैं। अच्छा अच्छा, रिलैक्स स्टेप को कह रहे हैं। तो इसमें आपके बहुत एक शारीरिक अनुभव होता है तनाव का, जैसे आप किसी बहुत देर, जैसे आप एक और मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आप बहुत देर लाइन में किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, फिर आपकी जब बारी होती है तब तक आप बहुत परेशान हो रहते हैं, आपके मन में तनाव बनता है, आपकी बारी आती है तो फिर वो तनाव हट जाता है कि चलो अब मेरा काम हो जाए। तो इस टाइप से जो तनाव है ना, इसको आप एक शारीरिक अनुभव की तरह पहचानना शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे होगा, इससे आपका परिचय धीरे धीरे होगा। लेकिन ये जो हमारी जो तृष्णा है, ये एक बिल्कुल मतलब टेंजिबल जिसे कहते हैं, एक पहचानने लायक तनाव पैदा करता है हमारे मन में, धीरे धीरे आपका इसका इससे परिचय हो, ठीक है, आपके मन में आएगा, कभी कंधे में आएगा, कभी पीठ में आएगा, आपने वो तनाव को रिलैक्स करना, ठीक है। और ये ऐसी चीज है, मतलब जैसे ये बताने से नहीं होगा, ये आपके अभ्यास से धीरे धीरे आप खुद परिचित हो, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आपको जितना भी मैं बता दूं आपको खुद चलाना पड़ेगा, आप समझ जाओगे फिर खुद ही। कठिन है वही तो सच साथ है। धन्यवाद। मराठी पाली विभाग मुंबई ने जो अनुवाद किया है रिलैक्स का अनुवाद उन्होंने शांत करो ऐसा किया, तनाव ढीला करना और शांत करना। मिलिंद जी, आप कुछ सवाल पूछते थे के साथ ही। सर वो आंसर मिल गया, रिलैक्स स्टेट है, हाँ जी, रिलैक्स करना है, वो उसी के बारे में जवाब मिल गया मुझे। और किसी का कोई सवाल? नमस्कार शीला जी, बताइए। बहुत अच्छा लगा, कुशल आपने किया हुआ है, अभी जैसे समय मिलता है मैं कर लेती हूँ। माफ करिए, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। शीला जी, आप मोबाइल थोड़ा पास में लेके बात कीजिए, मोबाइल पास में। ठीक है, हाँ जी बताइए। बहुत अच्छी बात है। आप रोज कितना टाइम स्पेंड करते हैं? मॉर्निंग में 1 घंटा और इवनिंग में सोने से पहले सब काम हो जाता है, 11:30 बजे आधा घंटा एक कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है, अपने आप कम ध्यान से। और ये शमत विपश्यना का ही आप अभ्यास करते हैं, जो बंदे विमल रिमसी जो सिखाते हैं? थोड़ा सा आवाज,
मैं पूछ रहा हूँ, ये शमत विपश्यना का ही यही मंगल मैत्री वाले साधना का अभ्यास करते हैं? पहली बार ही किया है सर के साथ, अभी हमारे ये भी ट्राई करिए कुछ दिन। मैं आपको आमंत्रण देता हूँ कि ये साधना भी आप करके देखिए, मतलब काफी आपको, मेरी उम्मीद है कि काफी फायदा होगा इससे आपको। ये मंगल मैत्री वाली सर जी ने हमको सिखाया है, हम करते हैं ये पहले से, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाता है, अपना ही ऐसा ही मेडिटेशन पूरी चलता है। अब ये मंगल मैत्री वाली भी हम करेंगे। हाँ जी, बस ये जरूरी है मंगल मैत्री में कि ये जो 6 स्टेप है हमारे 6 आर के, तो ये करना बहुत जरूरी है, खासकर 2 हमारे स्टेप। एक तो आप, मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत नेचुरली आप काफी मुस्कुराती हैं, ये अच्छा, बहुत ही अहम हिस्सा है। और दूसरा है जो रिलैक्स, ये जो तनाव पहचानने वाला चीज है, ये बंदे विमल रमसी ने बहुत, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया। और ये कई बार हम जो एक तृष्णा है, इसको एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज की तरह ट्रीट करते हैं कि मतलब तृष्णा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन ये जो तृष्णा है इसका बहुत ही पहचानने लायक एक शारीरिक, उसका एक उससे जुड़ा हुआ ये तनाव होता है। तो ये तनाव जैसे हम पहचानेंगे, इसको रिलैक्स करना सीखेंगे, इससे हम पूरे हमारे एक मानव अनुभव की जो प्रक्रिया है ये समझने में हम सक्षम होता है। तो ये मतलब ये और मंगल मैत्री के साथ बहुत ही तेजी से हम इसमें अपना विकास कर सकते हैं। अभी ध्यान जैसे मैं कर लेती हूँ तो तनाव तो ऑलरेडी अपने आप कम हो जाता है। बहुत सारे वैसे इतना स्ट्रेस था मेरे लाइफ में, लेकिन जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ, दिन भर चाहे जितने भी मेरे साथ ऐसे स्ट्रेस के प्रसंग आए हो, लेकिन ध्यान जैसे ही आ जाता है मैं अपने आप रिलैक्स हो जाती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, और यही चीज मतलब केवल आपके ध्यान में नहीं, केवल आपके साधना में नहीं, ये साधना आपके 24 घंटे आपके जीवन में आपने लाना है, ताकि किसी भी समय हमारे मतलब मन कभी ऐसी स्थिति में ना पहुंचे जहां बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस हो, मतलब हमें उस स्ट्रेस से बाहर निकलने का एक रास्ता है। जितने बड़े ऐसे घटनाएं होती है जो हमारे मन के विरुद्ध होती है, उसमें भी अभी मुझे कुछ नहीं लगता है, अभी जैसे नॉर्मल सा लगता है, कोई ऐसा ये नहीं रहता। मुझे लगे ध्यान में जैसे जैसे हम जाते हैं, ये सारे हमारे लिए ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, जितने भी आप विरोध आपके सामने आते हैं वो आपके लिए अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी, आप उससे और ज्यादा आगे जा पाओ। मैं उन्हीं को धन्यवाद देती हूँ जो मेरे साथ इस तरह से ऐसे प्रसंग अपने आप आ जाते हैं, विरोध करते हैं घर से हो बाहर से हो, मुझे लगता है कि मुझे और कुछ करना है, मुझे और कुछ देखना है और आगे जाए, और कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा जो कि मुझे ध्यान लगता है। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं दुनिया की बहुत सबसे नसीब वाली हूँ कि मुझे ये ऐसा मिल रहा है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, ये जीवन मेरा सफल हो रहा है जो पहले नहीं था। 3 साल पहले मेरे साथ बहुत ऐसी घटनाएं घट चुकी है, मैं शॉर्ट टेम्पर थी, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा भी आता और किया भी है, मैंने ऐसे बोला भी, लेकिन जैसे जैसे विपश्यना में मैं गई, सर जी ने ही हमको गाइड किया, योगा तो पहले से मेरा था ही, योगा करके मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स जो हूँ, योगा योग शिक्षिका, शारीरिक शिक्षिका हूँ, योग मैंने किया, योगा में आई तो थोड़ा सा मेरा कम हो गया, धीरे धीरे और ज्यादा, और उसमें 3 साल में इतनी बड़ी बड़ी ऐसी दुर्घटनाएं मेरे साथ हुई, ऐसा लगता था कि सुसाइड कमिटमेंट हो रही थी, गए जैसे विपश्यना से आए तो वो आदत लग गई मुझे, जो भी होता था आंसू निकलते थे, रोना आता था, रो लेती थी, लेकिन मैं सबके सामने कभी अपने आप को ऐसा एक्सपोज नहीं करती थी कि मैं बहुत दुखी हूँ। ध्यान में जब मैं जाती हूँ ना तो अपने आप में ऐसा लगता है कि कोई है मेरे पास ऐसा कुछ कि जो मुझे समझ आएगी और आगे चलो, और आगे जाना है, ये तो जस्ट एक छोटी छोटी बातें, इतनी बड़ी नहीं, इससे बड़े और भी दुख है, लेकिन उससे तो और नसीब वाले
कुछ नहीं मिला और मुझे आंतरिक प्रेरणा मिलती है कि मुझे और कुछ करना है। और ये ध्यान मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऐसा मेरी संपत्ति है, समय उसमें चाहे जैसा है मैं निकाल, बहुत सारा दिन भर काम रहता है, मैं सब कुछ बीच में थोड़ा सा एक बार से मैं दूर हो गई थी, लेकिन ध्यान से सोने से पहले मैं राजीव जी आपके चेहरे पे प्रकाश नहीं आ रहा। हाँ ये मुझे थोड़ा और लाइटिंग का कुछ देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ हाँ यहाँ पे आप इतना ही लाइट जो मेरे पीछे है तो प्रकाश आ नहीं पाया। अच्छा अच्छा अगली बार थोड़ा कुछ देखता हूँ मैं। मैं और एक प्रश्न पूछूंगे सर। हाँ सर, सर आनापान मंगलमूर्ति आपके पूछने के पहले बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी 7:16 हुए हैं, 7:30 बजे हम आज का सत्र क्लोज करेंगे, तो उसके हिसाब से अभी आपके एक दो और सवाल। हाँ ठीक है सर। मंगल मैत्री आनापान और विपश्यना और भिन्न भिन्न क्रिया है गई। मंगल मैत्री जो है ये आपके एक साधना का माध्यम है। साधना का माध्यम जैसे आपका श्वास है, जैसे जिस चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं तो उसको आप माध्यम बोल सकते हैं, आलंबन बोल सकते हैं। ये आप आपका एक एक तरीके से एक ये आपका टूल है, ठीक है। तो कि किस चीज पे आप, जैसे हमने बात करी, ये साधना का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम अपनी स्मृति को बढ़ाएं। हमारी स्मृति जैसे बढ़ती है, हमारी सती स्मृति माइंडफुलनेस जैसे बढ़ती है, तो हमें समझ में आता है कि हमारा ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर कैसे जाता है। इसका अभ्यास करने के लिए हम शुरू करते हैं ध्यान एक चीज से जोड़। वो ध्यान हम जोड़ सकते हैं, हम अपने श्वास से जोड़ सकते हैं या हम अपने मंगल मैत्री की भावना से जोड़ सकते हैं। तो हमारा जो अभ्यास है वो हमारी सती को आगे लेके चलता है, ठीक है। और विपासना मतलब, विपासना का अर्थ होता है इनसाइड। तो मतलब ये जो हम इस साधना से जो हम चीजें सीख समझ पाते हैं, गौतम बुद्ध ने जो सिखाया था, दो पहलू होते हैं साधना के। एक होती है समत, मतलब एक स्थिरता, और एक विनम्र स्थिरता बोल सकते हैं आप उसको, और एक है कि आप आपके मानव अनुभव की प्रक्रिया के बारे में सीख पा रहे हैं, जिसे विपश्यना कहते हैं। ये दोनों साथ में हम करते हैं, समत विपश्यना के साधना में दोनों साथ में हम करते हैं। तो कोई ऐसे अंतर नहीं है, बस श्वास जो है और मंगल मैत्री जो है, ये दोनों एक हमारे माध्यम है साधना के। ठीक है, ठीक है सर। राजीव जी, भंते विप्लव जी ने आनापान के बदले मंगल मैत्री को चुना है। दोबारा पूछें। भंते विप्लव जी ने आनापान सती के बदले मंगल मैत्री को प्राधान्य क्यों दिया? इसके दो तीन वजह हैं। एक तो भंते जी आनापान भी सिखाते हैं, उन्होंने आनापान से ही अपनी यात्रा भी, अपनी आध्यात्मिक यात्रा उसी से शुरू करी। मंगल मैत्री से दो तीन चीजें हैं। मंगल मैत्री जो भावना है, जैसे हम इस भावना को बढ़ाते हैं तो ये खुद ही हमारे मन में तृष्णा को कम करने लगती है। जो श्वास है ये हमारी तृष्णा को खुद से कम नहीं करती। तो जैसे हम ध्यान जहां पे हम वापस लेके जा रहे हैं, तो वो एक ऐसी जगह है जो कि हमारी तृष्णा कम करती है, हमारी एक जो सेल्फ सेंटर्डनेस होती है उसको कम करती है। कि हम जब मंगल मैत्री की भावना हम दूसरे को भेजते हैं, और धीरे धीरे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा, हमारी साधना बढ़ेगी, तो हम पूरे संसार को भी भेजेंगे। तो जैसे हम ये चीज करते हैं तो इसमें अपने निजी
फायदे, निजी स्वार्थ, निजी जो घृणा है, द्वेष है, ये चीज खुद ब खुद कम होती, जैसे हम इस भावना को धीरे धीरे इसका विकास करते हैं। तो इससे हमारी जो टोटल हमारी जो आध्यात्मिक विकास होता है, इसकी तेजी बहुत तेज हो जाती है। जो हमारी सांस है उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि जो हमारे एक जो हम एक निजी संबंध लेके आते हैं किसी सिचुएशन में, उसको कम करने की क्षमता उसमें नहीं होती। वो भी हमारे हमारे ध्यान का एक माध्यम बन सकता है और उसे हम सीख सकते हैं कि कैसे हम हमारा ध्यान किसी विचार में फंस जाता है और हम उस विचार को ही अपना और खुद मानने लगते हैं। ये चीज हम श्वास के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जब मंगल मैत्री के साथ करते हैं तो खुद हमारे अंदर वो हर चीज को अपना मानना या खुद मानना या खुद मान के बुरा मानना या अच्छा मानना उस चीज को, ये जो एक टेंडेंसी होती है ये खुद कम हो जाती है। आप म्यूट पे हैं डॉक्टर साहब। ये जो आध्यात्मिक साथी हम चुनते हैं, अभी आज जो चुना है क्या उसे बार बार बदल सकते हैं या उसी को कायम रखें? सॉरी आप रिपीट कर सकते? आध्यात्मिक साथी आपको सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आध्यात्मिक साथी तक सुनाई दिया। क्या उसे बदला जा सकता है बार बार या एक ही रखना है? नहीं, एक ही आध्यात्मिक साथी के साथ हम अभ्यास करेंगे, बार बार नहीं बदलेंगे। अभी से जब तक आपके साधना का माध्यम बदलने के लिए नहीं बताया जाए आपको, तब तक आप एक ही आध्यात्मिक साथी को मैत्री की भावना भेजेंगे। मतलब आध्यात्मिक साथी को आज जो चुना है वही कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, जब तक आपका मार्गदर्शक नहीं बन रहेगा कि आपको बदल रहा है तब तक। जी बिल्कुल ठीक। कोई और प्रश्न? कुछ भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल झिझके मत। मतलब ये प्रश्न आपके भी काम आ सकता है और किसी के भी काम आ सकता है। मुझे पूछना है, जब हम शुरुआत करते वक्त हमारा जो आनंददायी क्षण है, जो वो आनंददायी क्षण कभी कभी जब पहले शील भंग होता था उस वक्त भी आनंद होता था, जो प्रसंग हम कभी नजर के सामने आता है उससे हमारा शील भंग भी हुआ है। हाँ जी, तो ऐसा प्रसंग लेके मत आप शुरू करिए, क्योंकि आपको आप जैसे आप आपकी साधना का विकास होगा तो आप समझने लेंगे, अंतर समझने लेंगे। जो आपको एक लोभ से जुड़ा हुआ, जो एक हमें लगता है कि यही प्रसन्नता है, और जो एक मतलब बिना किसी निजी लाभ के लिए जो एक प्रसन्नता होती है, जैसे मंगल मैत्री जो हम बोलते हैं, जैसे किसी बालक के साथ, बच्चे के साथ होते हैं हम, तो हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो उसकी भलाई के बारे में सोच के हमारे मन में एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है। ऐसी चीज हम चाहते हैं, क्योंकि जो लोभ से जो शील भंग होता है, जिससे ऐसी जो खुशी होती है वो बहुत
जल्दी दुख में बदल जाती है, क्योंकि वो चीज आपके साथ रहेगी नहीं जिस जो चीज आप चाहते हैं, मतलब जो अनित्य होता है उसके वो बहुत जल्दी वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस टाइप उस चीज से आप आपके साधना में आगे विकास नहीं हो पाएगा। हाँ सर, राजू सर, सर मैं एक पूछना चाहती हूँ कि आपने पहले बोला था कि पहले एक थॉट याद करना है और उसी में रहना है हमें, लेकिन जब हम अच्छा थॉट याद करते हैं तो हम उसी में ही बह जाते हैं, तो साधना नहीं हो पाती पूरी। तो कंपलसरी है कि वो थॉट लेना ही चाहिए हमें, या हम बिना थॉट के साधना कर सकते हैं मैत्री साधना? नहीं, तो जो थॉट है वो केवल आपको उस समय जो एहसास हुआ था, तो कुणाल जी ने थोड़ी देर पहले भी ये पूछा था सवाल, उस समय जो आपको एहसास हुआ था, जो एक मंगल मैत्री का एहसास हुआ था, वो एहसास जगाने के लिए केवल, वो जो प्रसंग हुआ था उसमें उसके डिटेल्स में वहां पे कौन था, क्या था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उस ख्याल में नहीं जाना हमने। केवल उस प्रसंग का एक ही काम है कि जो मैत्री की भावना है वो जगाने में हमारी मदद करे। वो जैसे ही मैत्री की भावना जग जाती है, वो भावना लेके हम अपने आप को या अपने कल्याण मित्र या अपने आध्यात्मिक साथी को वो भावना हम भेजते हैं। क्या कंपलसरी है मतलब वो थॉट याद करना, मतलब नहीं करेंगे तो? ये क्वेश्चन है एक्चुअली। नहीं, अगर वो मैत्री की भावना आपके बहुत बिना किसी प्रसंग को याद किए अगर उत्पन्न हो रही है तो उससे भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये बस एक सपोर्ट सिस्टम है वो एहसास आपको याद दिलाने के लिए। ओके थैंक यू सर। उसके बिना अगर आप मैत्री की भावना आपके आ रही हृदय में आप उसको एहसास कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो वो भी आप अपने आप को भेज सकते। ओके इसका मतलब है जिस आनंद को हम याद करेंगे वो आनंद सात्विक आनंद होना चाहिए, कोई बुरे काम वाला आनंद नहीं होना चाहिए, सही है ना? धन्यवाद। हमारा सत्र अब खत्म होने को है। मैं डॉक्टर मधुसूदन जी से विनती करूंगा कि एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम ये सत्र। ठीक है, मेरे पीछे पीछे मैं एक लाइन बोलूंगा आप सभी। मेरा मंगल होय रे, तेरा मंगल होय रे, सब का मंगल होय रे। जन मंगलम भवतु सब मंगलम।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपका बहुत सारी शंकाएं आपने दूर की। हम सभी अगले हफ्ते फिर इसी समय मिलेंगे और आप अपने नए दोस्तों को भी साथ में ला सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू राजीव जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो राजीव जी अभी बंद करें, धन्यवाद, थैंक यू, साधु साधु साधु।